वेलकम बैक ऑल लिटिल जीनियस माइंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वॉर्स। हम सब एक नई सीरीज के साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल मार्वल्स की बात कर रहे हैं और इसी सीरीज में अब तक हम एक ऐसे प्लेस के बारे में लास्ट एपिसोड में जान चुके हैं। अब समय है आज का एपिसोड शुरू करने का। आज के एपिसोड में भी हम बात करेंगे एक एक्सेप्शनल इंफ्रास्ट्रक्चरल मार्वल के बारे में। तो आइए देखते हैं व्हाट अवेट्स अस इन टुडेस एपिसोड। So today's infrastructural marvel on the list is the Large Hadron Collider. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। पार्टिकल एक्सेलरेटर एग्जैक्टली होता क्या है और काम क्या करता है, ये हम आज समझेंगे। It first started on 10th September 2008 and it was built by the European Organization for Nuclear Research between 1998 and 2008 in collaboration with over 10,000 scientists and hundreds of universities and laboratories as well as more than 100 countries. अगर बहुत ही precise way में बताया जाए तो LHC का functioning कुछ यूं बयान किया जा सकता है। So the scientific explanation goes like, The Large Hadron Collider is the most powerful accelerator in the world. It boosts particles such as protons which form all the matter we know. Accelerated to a speed close to that of light, they collide with other protons. These collisions produce massive particles such as the Higgs boson or the top quark. LHC आज तक बनाया गया सबसे ambitious और powerful particle accelerator है। The accelerator sits in a tunnel 100 meters underground at CERN, the European Organization for Nuclear Research, on the Franco-Swiss border near Geneva, Switzerland. कई सारे कंट्रीज से हजारों साइंटिस्ट ने साथ आकर इस पे काम किया है और आज भी इसे बेहतरीन बनाने के लिए काम जारी है। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इसे डेवलप करने के लिए कई सारे आइडियाज प्रपोज किए जाते हैं और जो आइडिया सक्सेसफुल होते हैं वो इसमें इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। पार्टिकल एक्सेलरेटर की साइंटिफिक डेफिनेशन है अ मशीन दैट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स टू प्रोपेल चार्ज्ड पार्टिकल्स टू वेरी हाई स्पीड्स एंड एनर्जीज एंड टू कंटेन देम इन वेल डिफाइंड बीम्स। लार्ज एक्सेलरेटर्स आर यूज्ड फॉर फंडामेंटल रिसर्च इन पार्टिकल फिजिक्स। सिंपल वर्ड्स में बताया जाए तो लार्ज हैड्रन कोलाइडर का एज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर पर्पस है टू इंक्रीज आवर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स। This theory tries to define and explain the fundamental particles that make the universe what it is. इस थ्योरी में आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी के कुछ एलिमेंट्स भी शामिल हैं। दिस थ्योरी आल्सो डील्स विद थ्री ऑफ द फोर बेसिक फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्टैंडर्ड मॉडल के यूनिवर्स को लेकर किए गए प्रेडिक्शंस काफी हद तक ट्रूथफुल माने जाते हैं। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये प्रूव हुआ है। हालांकि मॉडल के कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स हैं जो अभी तक अनप्रूवन हैं। वन ऑफ दोस इज अ थियोरेटिकल पार्टिकल कॉल्ड द हिग्स बोसान पार्टिकल। द हिग्स बोसान पार्टिकल में आंसर क्वेश्चंस अबाउट मास, लाइक व्हाई डस मैटर हैव मास। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे पार्टिकल्स आइडेंटिफाई किए हैं दैट हैव नो मास सच एज न्यूट्रिनोस। ऐसा क्यों होता है कि ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल हैज मास एंड अनदर लैक्स इट? साइंटिस्ट हैव प्रपोज्ड मेनी आइडियाज टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ मास बट नन ऑफ देम इज यूनिवर्सल एज ऑफ नाउ। एक और क्वेश्चन जिस पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो है अबाउट डीलिंग्स ऑफ मैटर इन अर्ली कंडीशंस इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अर्लीस्ट मोमेंट्स के दौरान मैटर एंड एनर्जी वर कपल्ड। Just after matter and energy separated, particles of matter and antimatter got separated from each other. If there had been an equal amount of matter and antimatter, the two kinds of particles would have cancelled each other out. But practically, universe mein antimatter ka hissa zyada tha. So scientists ko umeed hai that they will be able to observe antimatter with the help of LHC. LHC ko lekar ek bahut hi interesting sawal kiya jata hai. The question is, can the LHC create a black hole? इसका कोई फर्म आंसर नहीं दिया जा सकता, लेकिन काफी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट इस कंक्लूशन तक पहुंचे हैं कि द LHC विल नॉट जनरेट ब्लैक होल्स इन द कॉस्मोलॉजिकल सेंस। हाउएवर सम थ्योरी सजेस्ट दैट द फॉर्मेशन ऑफ टाइनी क्वांटम ब्लैक होल्स मे बी पॉसिबल। द ऑब्जर्वेशन ऑफ सच एन इवेंट वुड बी थ्रिलिंग इन टर्म्स ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड वुड बी परफेक्टली सेफ। द
The LHC consists of a 27-kilometer ring of superconducting magnets with several accelerating structures to boost the energy of the particles along the way. Accelerator ke bheetar two high-energy particles beams almost light ki speed se travel karte hain before they are made to collide. The beams travel in opposite directions in separate beam pipes. Matlab imagine kijiye, do tubes hain jo ultra-high vacuum mein place ki gayi hain. They are guided around the accelerator ring by a strong magnetic field maintained by superconducting electromagnets. ये electromagnets special electric cable से बने हुए होते हैं और superconducting state में ही operate करते हैं. They efficiently conduct electricity without resistance or loss of energy. इसके लिए magnets को -271.3 degree Celsius temperature तक cool करना जरूरी होता है. That's a temperature count colder than outer space. For this reason, much of the accelerator is connected to a distribution system of liquid helium, जो magnets को cool करने के साथ साथ बाकी suitable conditions भी provide करता है. अब हम accelerator के beams के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं. Thousands of magnets of different varieties and sizes are used to direct the beams around the accelerator, जिसमें 1,232 dipole magnets जिनकी length 15 meters होती है और जो bend होने की ability रखते हैं, और 392 quadrupole magnets, each 5 to 7 meters long, जो beams पर focus करते हैं, वो शामिल हैं. Collision से ठीक पहले एक और type का magnet इस्तेमाल किया जाता है, जो particles को close लाने के काम करता है. The particles have to be closer together to increase the chances of collisions. The particles are so tiny that the task of making them collide is a work of precision. LHC project को complete होने में 25 साल लग गए. इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू हुई थी 1984 में एंड द फाइनल गो अहेड वाज ग्रांटेड टू इट इन 1994. थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज वर इन्वॉल्वड इन डिजाइनिंग प्लानिंग एंड बिल्डिंग द एलएचसी एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड द मैन पावर वाज नियरली $5 बिलियन. So friends, hope that you found this information about the LHC interesting. हमारी दुनिया में कई तरह के constructional designs अलग-अलग देशों में हमें देखने मिलते हैं. लेकिन ये design काफी unique है, क्योंकि ये कोई tourist place नहीं है. ये world history में बनाया गया काफी uniquely functioning structure है. और यहाँ critical and diverse experiments भी conduct किए जाते हैं. Definitely, it is a revolutionary step in the research related to the universe. ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मॉन्यूमेंट्स के बारे में हम जानेंगे जिनके डिजाइंस एकदम यूनिक और मेस्मराइजिंग है. लेकिन अगले एपिसोड में उसके लिए आपको हमारे चैनल माइंड वॉर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड एंड स्टे ट्यून्ड. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.